गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी क्रैश बैरियर प्लस हमारा स्पैन भी गट रिएक्शन भी हो रहा है फर्स्ट स्पैन का RHS साइड का, उसको भी देख सकते हो आप यहाँ पे। और हमने यहाँ पे एक गट रिएक्ट कर दिया तो उसका हमने ब्रैकेट भी लगा दिया, और सेकंड गटर के लिए हमने ट्रेन की पोजीशन कर ली है। और बाकी रात को तो बहुत बारिश हुई इसलिए हमारा बेड फॉर्मेशन भी चल रहा है, ये देख सकते हो आप। और ये ब्रैकेट है हमारा 1750 का, तो इसका हमारा विड्थ आती है 1750 हमारा आउटर के साइड में, तो गटर की फेस से बाहर 1300 है, तो 1300 हिसाब से हमने इसको 1850 का ब्रैकेट लगा दिया है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे क्रैश बैरियर भी हो रहा है, क्रैश बैरियर के लिए हमारा बूम भी आके खड़ा है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे मेरा 15 मीटर का क्रैश बैरियर भी रेडी है, यहाँ पे स्टॉपर लगा रहे हैं ये लोग। और आज हमारी डेक स्लैब की भी कंक्रीट होने वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट गटर रिएक्शन के लिए बेड फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है, और विद सेफ्टी, सेफ्टी वर्क इज मोस्ट प्रायोरिटी। अभी मैं गटर नीचे लेके आता हूँ इसका। और ये है हमारा क्रैश बैरियर, क्रैश बैरियर आज 15 मीटर का कंक्रीट करेंगे हम, अगले वाला भी रेडी हमारा, अगले वाले में 33 का रेडी करेंगे बेड। और चलो मैं अब डेक स्लैब की, एक बार क्लाइंट आएगा तो उसके चेक करवाने वाले हैं हम आज, और उसको चेक करवा के हम उसकी भी कंक्रीट का प्लान करेंगे आज। ऑलमोस्ट लंच के बाद स्टार्ट करेंगे क्रैश बैरियर, बाकी है हमारा 10 मीटर दोनों बोथ साइड, तो 10 मीटर वो क्रैश बैरियर का स्टील लगाना बाकी है, तो उसको भी लगा रहे हैं। और क्रैश बैरियर में, क्रैश बैरियर का भी तो पीछे से कंक्रीट करने वाली, उसकी शटरिंग भी हो गई है, उसकी क्लाइंट से चेक भी हो गई। वो यहाँ पे P4 शाफ्ट की 4th लिफ्ट है, तो उसको हम ये अभी फीलिंग कर रहे हैं। क्यूरिंग हो रही है, वहाँ पे आगे काम हो रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं आपको अगले वीडियो में जो डेक स्लैब की चेकिंग होगी वहाँ पर एक वीडियो बनाऊंगा अभी आपको, तो उसके साथ मैं अभी चेक करवाऊँगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।